यस सबने नोट कर लिया ना? क्वेश्चन यस सर। के आंसर देने हैं। तुम ये देखो, इस समय 12th के कुछ बच्चे अटेंड कर रहे हैं जिनको ये टॉपिक ढंग से आता है, लेकिन वो क्लास में हैं, आंसर पूछूंगा तो आंसर दे देंगे वो अपना काम कर रहे हैं साथ साथ, वो बच्चे अपना काम कर रहे हैं साथ साथ, तो तुम लोगों को भी इस चीज से सीखना चाहिए कि वो दोबारा अटेंड कर रहे हैं और उनको आता है सारा टॉपिक है। और तुम्हारी क्लास खत्म होते ही तुम्हें आज ही मेरे को ये सारा काम भेजना है, सारा लिख करके, सारा ये 2 times लिख करके भेजना है, मिस नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, उसका PDF बना करके ग्रुप पे भेज देना। चलो अब उसके आंसर निकाल लिए सबने, ये भी रह रहे हैं सर। एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो। मेटल ऑक्साइड MCN एन सी एन पे माइनस वन चार्ज, इसका इक्विवेलेंट वेट दूसरा एम ब्रोमेट BRN, BR पे माइनस वन चार्ज, इसका इक्विवेलेंट वेट। तीसरा मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, मेटल फॉस्फेट M3PO4 रोल एन PO4 पे 3-, इक्विवेलेंट वेट फोर्थ M2ON, O पे चार्ज 2-, इक्विवेलेंट वेट इसका निकालो इन चारों के। आंसर देखेंगे, देखो किसके चारों करेक्ट है पहले ये बताएंगे। E प्लस इक्विवेलेंट वेट 12 प्लस 14 26 बाय 1, ये इक्विवेलेंट वेट आएगा। MBRN E प्लस 80 बाय 1, ये इक्विवेलेंट वेट आएगा। ये मैंने तुम्हें बता दिया था पहले, E प्लस 95 बाय 3, फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज है, बी आर पे माइनस 1 है, एन फैक्टर 1 है। एम टू ओ एन ई प्लस 16 बाई 2, ई प्लस 8 आ जाएगा। किसके चारों सही हैं? एक बार हैंड से करेंगे जिसके चारों सही हैं। चित्राक्ष, पिनकिन, दिवा, काजल, इशिता, दिया, आदित्य, हितेश, प्रियंका, आर्षी, लक्ष्य, मानसी, हिमांशु, सौम्या, मनी, क्रिश, जिया, वनी, नवीन, दिव्यांश, दिवस। चलो फिर बाकियों को समझ आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? बाकियों को समझ आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो अभी एक लॉ नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लॉ है, डी लॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। डी लॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ से ना, डी लॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ, ये लोग क्या कहता है, सॉलिड मेटल्स के लिए वैलिड है। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। नोट कर लिए लॉ। सही ना, ये इस फॉर्मूले से स्पेसिफिक हीट
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। इस फॉर्मूले से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकल जाएगा तुम्हारा, इस फॉर्मूले से अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट, सही है। अब ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मैं एक वर्ड में बताता हूँ, आगे तुम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 ग्राम कोई भी मेटल है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है, उसके लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसको, समझ गए कि नहीं है? 1 ग्राम मेटल, जैसे 1 ग्राम आयरन है, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो तुम्हें उसको गर्म करना पड़ेगा ना, वो जो तुम हीट दे रहे हो ना वो स्पेसिफिक हीट है। या अगर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से कम करना है तब जो हीट रिलीज होगी वो स्पेसिफिक हीट है। क्या क्वेश्चन क्लियर, क्या क्लियर हो गया कंसेप्ट की नहीं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, कितनी हीट चाहिए 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो क्या है? स्पेसिफिक हीट, सही ना, वो स्पेसिफिक हीट है, याद रखना। जब डिटेल दूंगा बाद में, अभी तुम सिंपल डेफिनेशन याद कर दो, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हीट देनी पड़ेगी। तो ये डुलोंग एंड ब्रेटनेस लॉ याद रखना है। अब इसके क्वेश्चन ये याद रखना, अभी आगे जाके यूज कराऊंगा इसका। अब इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जैसे मैंने बोला से 2 ग्राम मेटल ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड गेव 4.5 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, तुम्हें निकालना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। व्हाट इज, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, निकालो जरा। रेडिएशन की बात करते हैं, टू ग्राम मेटल ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड गेव 4.5 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस। सर 96/2.5 किसने निकाला है? सर लक्ष्य है। लक्ष्य, और किसी बच्चे ने निकाला है? और किसी बच्चे ने निकाला इसका आंसर? लक्ष्य कैसे किया है? चलो देखो, उधर एक लाइन का क्वेश्चन है, ये ढंग से समझ के करना बिल्कुल। देखो मैंने क्या बोला, 2 ग्राम मेटल है, कोई मेटल है H2SO4 में डाला इसको, और ये दे रहा है मेटल सल्फेट, तो मिलिक्विलेंट्स इसमें मेटल के किसके इक्वल होंगे? मिलिक्विलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट। मिलिक्विलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट, ये इक्वल होंगे? तो ये बताया 4 आ रहा है, देखते हैं अभी।
मिलिक्वेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ मेटल सल्फेट, ये मैंने तुम्हें प्रूफ कर दिया था पीछे भी, किसी भी मेटल सल्फेट में उसके मेटल के उसके आयंस सल्फेट आयंस के और मेटल सल्फेट के मिलिक्वेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, याद है ना ये। मिलिक्वेंट मेटल क्या होंगे, अब 2 ग्राम मेटल है, मिलिक्वेंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, तो 2 बाय में e इनटू 10^3 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ मेटल सल्फेट इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट कितना है 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, तो 4.5 अपॉन में e प्लस 96/2 इनटू 1000, क्या क्लियर हुआ है, क्या ये क्लियर हुआ है? यस सर, इससे ई निकल जाएगा आसानी से, एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ जाएगा, फिर मैं इससे थोड़ा और इजी करूंगा। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना अभी पीछे, एक बार दोबारा बता रहा हूँ तुम्हें, 18 बच्चे वो समझ आ गया, 18 देखो मैंने तुम्हें बताया ना पीछे अभी, हाँ सुमे सही है, क्रिश सही है, देखो मैंने तुम्हें ये बताया मेटल सल्फेट अगर है, ये मैंने पीछे तुम्हें बताया, ध्यान देना मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मिलिक्वेलेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू मिलिक्वेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट इज इक्वल टू मिलिक्वेलेंट ऑफ सल्फेट आयन, ये होगा कि नहीं होगा, ये लाइन क्लियर है कि नहीं सबको, ये लाइन सबको क्लियर, ये तो बताइए ना लाइन मैंने, तो अब तुम्हें दोनों का मास दे रखा है, मेटल का मास कितना है, मेटल का मास कितना है 2 ग्राम, देखो मेटल का मास है 2 ग्राम, मेटल सल्फेट का मास है 4.5 ग्राम, तो सल्फेट आयन का मास कितना होगा, तीन ही चीजें तो है इसके अंदर, सल्फेट आयन का मास क्या होगा 2.5 ग्राम कि नहीं, दो ये 4.5 ये, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना 2.5, और नहीं समझ रहे तो इसी से कर लो तुम, तो मिलिक्वेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मिलिक्वेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट, मैंने इसी से किया, इसका मास 2 ग्राम था तो 2 बाय ई मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, इसमें 4.5 ग्राम था, 4.5 बाय में ई प्लस 96/2 इनटू 1000, और अगर तुम इजी करना है कैलकुलेशन को तो मिलिक्वेंट्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ सल्फेट आयन कर दो, थोड़ा कुछ इजी हो जाएगा, मेटल का कितना आएगा 2 बाय मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 इज इक्वल टू सल्फेट आयन का वेट 2.5 बाय में 96/2 इनटू 1000, दोनों से सेम आंसर आएगा, इधर से ई जो आएगा और इधर से जो ई आएगा दोनों सेम है, एक बार प्रूफ करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है सर, 38.4 आ रहा है दोनों से, नीचे वाले से, हाँ नीचे वाले से ही आ रहा, दूसरे तो ऊपर से भी यही आएगा, ऊपर से भी यही आएगा, कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो एक बार जल्दी से हैंड जेस्ट कर देना बिल्कुल सेकंड्स के अंदर जिसको समझ आ गया क्वेश्चन, E की वैल्यू 38.4 आएगी, दिवस मानसी दिवा कीर्ति दिव्यांश जिया अर्षी अतुल्य आदित्य हिमांशु कृष लक्ष्य सित्राक्ष हितेश मनी प्रियंका पिनाकिन सौम्या इशिता गर्व काजल नवीन ध्वनि भव्या दिया कशिश, भव्या समझ नहीं आया, दिया ऑन हीटिंग गेम 2.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, निकालो सर, 5 ग्राम ऑफ मेटल के बाद क्या लिख रहा है,
5 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गेव 2.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, सही है? यस सर। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। सर नेगेटिव आ रहा है। चलो अभी निकलने दो नेगेटिव ही, क्या पता डेटा में कुछ डाउट हो इसलिए नेगेटिव आ रहा है, निकलने दो कुछ नहीं होता। सर -32 -32। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ उसको। असाइनमेंट क्या है अभी? यस सर। असाइनमेंट निकाल लेंगे। हाँ असाइनमेंट निकाल लेना सर। 5 ग्राम मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट है गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड दे रहा है, ये है 5 ग्राम, गरम किया तो 2.5 ग्राम। तो मिलीक्विलेंट्स दोनों को इक्वल कर दो, मिलीक्विलेंट्स ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू मिलीक्विलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। मिलीक्विलेंट्स ऑफ मेटल नाइट्रेट क्या होंगे? 5 अपॉन में ई प्लस 62/1, नाइट्रेट पे चार्ज -1 होता है, इनटू 10^3 इज टू मिलीक्विलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड 2.5 बाय में ई प्लस 8 10^3। ये किया था क्या? Yes, sir. ये किया है कि नहीं? No, sir, वो थोड़ा गलत समझ लिया था, कुछ गलत लिख दिया था। जब आंसर क्या आ रहा है इससे इक्विवेलेंट वेट क्या आ रहा है? इससे कितना आ रहा है इक्विवेलेंट वेट? कितना आया? 46 आ रहे हैं।46 किस किसने कर लिया है? कीर्ति ने, अतुल्य ने, हितेश ने, बाकी को समझ आ गया कि नहीं? लक्ष्य ने दिया। अच्छा हैंड से करना जल्दी से एकदम, बिल्कुल सेकंड्स के अंदर। किसको समझ आ गए? बच्चे रह रहे हैं अभी।
चलो सब कुछ समझ आ गया। एक इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन। थ्री ग्राम ऑफ मेटल फॉस्फेट ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड गेव सिक्स ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कितना आया? 31। मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थ्री सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट इसका। थ्री बाई में E प्लस 95 बाई थ्री मेटल फॉस्फेट के लिए इज इक्वल टू सिक्स अपॉन में E प्लस 96 बाई टू मेटल सल्फेट के लिए, बताया था ना, इंटू 10:3। क्या समझ आ गया कि नहीं? ये ये किस किसने किया है? यस सर, यही करा। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। 14 बच्चों की, सबका होना चाहिए था ये, सबका होना चाहिए था ये। चलो ये सबको समझ आ गया, फिर मैं ये मान रहा हूँ सबको समझ आ गया। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन देखो, अभी ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा हुआ है, नोट करेंगे।
कॉपर फॉर्म्स टू ऑक्साइड, लाइन लिखना जल्दी, कॉपर फॉर्म्स टू ऑक्साइड फॉर सेम अमाउंट ऑफ कॉपर ट्वाइस एज मच ऑक्सीजन वॉज यूज to form the first oxide, then to form second one. Calculate ratio of valencies of copper. ये टफर असाइनमेंट में दे रखा क्वेश्चन, करेंगे ट्राई अभी, इसका आंसर करो जल्दी से। चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट टाइम करेंगे, एक दो क्वेश्चन और दूंगा बहुत अच्छे वाले जिसमें ड्यूलोंग एंड पैटेट्स का भी यूज होगा, फॉर्मूले देख लेना प्लस क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लेना, दो दो बार करके मेरे को जरूर भेजना तुम्हें सारे क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा आधे घंटे का काम होगा, इससे ऊपर का काम नहीं है सब करके, अगर जिसको अभी समझ आ गया तो। मैंने क्या बोला, कॉपर बना रहा दो ऑक्साइड्स, वैलेंसी मान ली एक पे एक्स प्लस ओ टू माइनस, फॉर्मूला बन गया सी टू ओ एक्स, एक सी यू वाई प्लस ओ टू माइनस, फॉर्मूला बन गया सी यू टू ओ वाई, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। पहला कि क्या कह रहा है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर, सेम अमाउंट ऑफ कॉपर यानी यहाँ पे कॉपर अगर ए ग्राम है तो यहाँ पे भी कॉपर ए ग्राम है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर ट्वाइस एज मच ऑक्सीजन वॉज यूज टू फॉर्म द फर्स्ट ऑक्साइड, यानी इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर ऑक्सीजन अगर बी ग्राम या बी ग्राम है तो इधर होगा बी बाई टू ग्राम, बस अब दोनों के मिलिक्विलेंट्स इक्वेट कर दो, पहली ऑक्साइड के अंदर Cu2O के अंदर मिलिक्विलेंट्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट्स ऑफ ऑक्साइड, एंड कॉपर के मिलिक्विलेंट्स क्या होंगे, ए ग्राम था ए बाय में इक्विवेलेंट वेट, इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय, चलो इक्विवेलेंट वेट को ई1 लिख दो, इन टू 10^3 ऑक्साइड आयन का बी बाय में 8 इन टू 10^3 दूसरी ऑक्साइड के लिए Cu2OY के लिए, Cu2OY के लिए मिलिक्विलेंट्स ऑफ कॉपर ए बाय में ई टू इंटू 10^3 इज इक्वल टू, अब इसमें ऑक्सीजन कितना है आधा, बी बाय टू अपॉन में 8 इंटू 10^3, बी बाय टू इंटू 8 इंटू 10^3, बस अब तुम्हें ई वन बाई टू निकालेंगे दोनों डिवाइड करके, ई वन बाई टू निकालेंगे, ई वन तुम्हें पता ही है इस ऑक्साइड का क्या होगा, इवन कॉपर का वेट क्या होगा इस ऑक्साइड के अंदर, इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एक्स इवन की वैल्यू, और ई टू की वैल्यू इस ऑक्साइड के अंदर
इसका एटॉमिक वेट तो कॉपर का एटॉमिक वेट तो सेम रहता है, डिवाइड बाय वाई, ये इसकी वैल्यू। तो इधर से E1 को पुट करना ए बाई एक्स, E2 को पुट करना ए बाई वाई, तो एक्स बाय वाई का रेशियो आ जाएगा। क्या समझ आ गया क्वेश्चन ये? एक्स बाय वाई आ जाएगा 1:2। हैंड से करना से समझ आ गए? किसी को समझ नहीं आया ये? हाँ, ये 15 बच्चे हुए। अतुल्य, लक्ष्य, जिया, इश्ता, काजल, कीर्ति, मानसी, आदित्य, मनी, हिमांशु, हितेश, दिव्यांश, दिवा, अर्षी, कृष, गर्व, पिनाकिन, दिवस, ध्वनि, नवीन, दिया, सौम्या, भव्या और प्रियंका। भव्या, प्रियंका, भव्या और प्रियंका, नहीं समझ आया ये? चलो जिसको अभी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। तुम सारे क्वेश्चन दो बार करके तुम्हें ग्रुप पे भेज दें। इसको भूलना नहीं, बिल्कुल मिलिक्वेंट्स का यूज करना सिखाया है सिर्फ, और एक ही फॉर्मुला यूज किया भी है मैं इसके अंदर, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, ये जरूर कर लो ढंग से, सही ना? नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। कल देखो क्लास कितने बजे होती है, तुम लोग ये पढ़ के रखना, नहीं पढ़ के रखोगे तो अच्छे वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, सही ना? करके रखना जरूर, 12th वाले बच्चे अटेंड कर रहे हैं तुम्हारे सामने, तो तुम लोग भी करके रखना जरूर।